जागा है खाली, कम डाउन, सुपर, क्या बात। और ये फ्लाइट हो चुकी है, मुझे लगता है कि वो जाएंगे। एंड ओ माय गॉड, सनसेट ब्लूज। और हम वापस बढ़ते हुए हमारी कैंप की तरफ। पाचो साइड ला उड़ा, देना 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 रे निशत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंड दिस इज अनदर वीकेंड दैट वी आर हेडिंग टू कैंप, स्पेशल कैंप दिस टाइम। देयर इज अ पैराग्लाइडिंग साइट वेरी क्लोज, वेरी डिस्टेंट फ्रॉम मुंबई एंड पुणे, एंड इज ऑल्सो होम टू क्वाइट सम सीनिक locations, viewpoints. So what we have decided is we have shortlisted a campsite that's very close to a flying base of one of such paragliding sites. So we are going to camp there. Normally the activity happens in afternoons, so around 3 o'clock the paragliding is expected to start. Not all of us might want to fly, but like at least about 4 or 5 of us might do that, and then we would camp as routine. Already Kishorji in black thar is up ahead, right at the campsite. Satish is also very close behind to him. Satish has got a rooftop tent this time around, so that's an attraction. And we are chasing Satish, so maybe about 10-15 minutes away. So fingers crossed, stay tuned, hoping for a good one. It's winter still, the cold nights haven't subsided, so we are expecting that the day as well is pleasant. Campsite doesn't have any water bodies around, so yeah, different experience this time. Kishorji greets us with a kadak chai, much needed to set up the camp and for energy until the lunch. और कैंप सेटअप हो गया है, और पहला कोर्स इस कैंप का मसाला राइस, वी आर जस्ट टेस्टिंग इट। भाभी जी ने किया है इसको, सो विल टेल हर हाउ टेस्टी इट इज। बाबा अपन ही चेत गए चिका देखो तो लन मन देखो तो लन मन लोगो कुठे लोगो मला दिसत नाही। हो डेकात लोन मध्ये मिळते काय? बर बर चालेल चालेल। काय करतोस तिकडे? स्ट्रेट
ठीक है पानी भी तो दूंगा Kia Seltos with a ground awning, Mahindra Thar, Kishore sir ki, और पूरा कैंपिंग का जखीरा सर का यहाँ पे लदा हुआ, और ये उनकी और अपनी फॉर्चुनर के बीच में लगी हुई हैमक। फॉर्चुनर एज यूजुअल, ये 270 awning और एक छोटा सा किचन का टेबल, एक दो कुर्सियां, और हमेशा का जो पॉकेट रॉकेट है हमारा डस्टर AWD, उसमें भी रूफ टॉप टेंट लगा हुआ इस बार। तो ये मेन अट्रैक्शन है इस बार का। और हाँ, वो कुछ प्राइवेट चीज है वहां पे, वो हम नहीं बताएंगे आपको। गाड़ियों को पीछे छोड़ के वी हैव got onto the trail, and this trail will take us to the paragliding takeoff point. I'm not very sure how sufficient enough the winds are, hoping for the good. Let's see. और निषाद को कुछ मिल गया यहाँ पे, उसका हमेशा का क्या है, कॉर्ड। यस, गॉट अ कॉर्ड हियर। आई थिंक देयर इज वन मोर। अब इते उठे, या थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद हम पहुंच गए हैं फुट हिल्स पे, जहाँ ये अगर आपको पीछे मेरे दिख रहा है तो ये लैंडिंग एरिया है, जहाँ पे ऊपर से लैंड होते हैं ग्लाइड्स। और मैं आपको दिखाता हूँ हमको जाना कहाँ है अभी। झिंगा लाला, ये है क्लाइम, जहाँ से हम लोग अभी क्लाइम करेंगे। और ये जो ऊपर प्लेटू है, वहाँ से अगर विंड सही हो तो ग्लाइड भी करेंगे। लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड। बस उधर रुको, भाई समिट छोटा हो
या बड़ा हो, ऊपर पहुंचने की खुशी तो उतनी ही मिलती है। तो हम पहुंच गए ऊपर और यहाँ से मैं सामने दिखाता हूँ आपको जो लैंडिंग टेक ऑफ पॉइंट है, यहीं से हम ट्राई करेंगे। हवा भी अच्छी चल रही है, पीछे देख सकते हैं आप फ्लैग, तो फिंगर्स क्रॉस्ड है हमारा फॉर द बेस्ट टेक ऑफ पॉइंट। हमारे इंस्ट्रक्टर रेडी है, देखते हैं शायद बच्चों का तो एटलीस्ट फ्लाइंग होना चाहिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, कैन यू बिलीव दिस इज वेस्टर्न गार्ड्स इन विंटर्स। आपको मैं एक मज़ेदार चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हमारा कैंप वहाँ लगा हुआ है, वो पेड़ के पास नीचे यहाँ पे, और हम लोग ऐसा घूम के ये क्लाइम करके ऊपर चढ़े हैं। खबर ये है कि हमारे जो और एक दोस्त आने वाले थे वो आ चुके हैं, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ उनको, बट वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिखे। ये मैंने जो जूम किया है यहाँ पे, ये और एक सेल्टॉस आई हुई है, और ये राजेंद्र सर है जो अभी देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं आगे के ट्रेल का, तो वो वहाँ से होके इस पेड़ के नीचे जहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ है यहाँ पहुँचेंगे। मैंने उनको बोला है कि आप पिच कर दो वहाँ पे, और हम लोग यहाँ ऊपर है, तो दे ऑल्सो माइट वुड लाइक टू जॉइन अस। लेट्स सी, वी आर 5 व्हीकल्स स्ट्रॉन्ग एंड 4 फैमिलीज फॉर नाउ, 1 मोर व्हीकल टू कम, स्टे ट्यून्ड। चालू हो गया वीडियो और ये कुछ हमको बताने वाली है, चलो 1 2 3 स्टार्ट। आराध्या मतलब मतलब ओके गुड, सेव वाटर सेव लाइव्स। दोस्तों हम लोग प्रे कर रहे हैं कि हेडविंड्स मिले हमको। हमारे इंस्ट्रक्टर का कहना है कि ये जो दिख रहे हैं रिबन, ये रिबन इस तरफ रुख कर रही है, हवा का रुख दिखा रही है, तो उसकी दिशा जो है वो जहाँ पे बच्चे खड़े हैं उस तरफ होनी चाहिए, तो ये हेडविंड ऐसे यहाँ से होके ऐसा होके ये ग्लाइडर में हवा भर सकते हैं। फिलहाल फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, वी हैव स्टिल टाइम विद अस, स्टे ट्यून्ड, देखते हैं क्या होता है, होप फॉर द गुड। और ये फ्लाइट हो चुकी है, मुझे लगता है कि वो जाएंगे, एंड ओ माय गॉड, अरे सही, क्या बात है यार, क्या बात है। और इस तरह से ये किलर, मतलब बता नहीं सकते यार कितना मजा आ रहा है, बहुत ही कम हवा है, मतलब आप देखो एट द मोमेंट वो वहां पे फ्लाई कर रहे हैं, और इसका जो यहाँ पे ये जो रिबन है दैट्स लाइक फॉलिंग फ्लैट, फिर भी ये देखो ही इज लाइक गोइंग एट इट, कम ऑन ना, ही विल कम बैक अगेन अप। और हवा का रुख बदलता हुआ, हेडविंड्स आ रहे हैं, जो क्रॉस विंड्स थे अभी थोड़ी देर पहले तक, अब वो हेडविंड्स में तब्दील हो गए हैं, जो ग्लाइडर को ऊपर लेके जाएंगे, और फिर ग्लाइडर के स्किल के ऊपर है कि वो कितनी देर उसको हवा में पकड़े रख सकता है उसके एलिवेशन में, तो दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर नाउ, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, ग्लाइडर रेडी हो रहा है, वेटिंग फॉर दैट। ये टैंडम ग्लाइडर है, जो पहले उड़ा था वो सिंगल फ्लाइट था, और ये टैंडम फ्लाइट है, सो इसमें दो लोग जा सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जा रही ग्लाइड से पहले, ग्लाइडर की जो टैंडम में चेयर होती है फ्रंट पैसेंजर के लिए, वो चेयर और हार्नेस फिट कर रहे हैं, तो एट द मोमेंट वो जो ऑक्यूपेंट है उसके बॉडी के ऊपर लटकी हुई है। हाउ आर यू फीलिंग, कैसा वाटते है? फिंगर्स क्रॉस्ड।
ये ग्लाइडर लैंड कर गया है नीचे, इसके बाद में आराध्या फ्लाई करेगी। मैं तो पापा के पास लैंड करा रहा हूं। हम भी वाले नदी ऊपर जाते हैं ना। के साथ क्लाइम डाउन चालू हो चुका है। हवा ने एक तो हमको ग्लाइड दे दिया। जाबाजो वाला रास्ता चुना है और ये आगे जो चल रहे हैं शहनशाह, बाजीगर, खतरों के खिलाड़ी। अरे हाय तो करो, इतना सारा बोल दिया आपके लिए। और ये जो इधर से आ रहा है आसान रास्ते से, वो भी हाय करेंगे। और सबसे पीछे न्यूज ऑफ द मोमेंट इज दैट कि जो हमने ऊपर से देखी थी गाड़ी आई हुई, ये राजेंद्र सर है, इनकी गाड़ी सेल्टॉस। तो फिलहाल एक ऑब्स्टेकल में मुझे नहीं लगता एक्चुअली फंसी हुई है, बट देन वी आर जस्ट नीड टू गेटिंग इट अंटिल द कैंप साइट। सो लेट्स डू दैट, स्टे ट्यून्ड। ठीक है ओके, मागून पुश करो यार, लेट्स पुश इट। तो लेफ्ट साइड का जो फ्रंट व्हील है दैट स्पिनिंग, तो अभी हम लोग इसको धक्का मारने वाले हैं। और आराध्या रुको, आप नहीं जाओ, रुको आराध्या एक मिनट, आप इधर रुको, मेरे साथ रुको। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, तो ठीक है, उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये निकल गया, सेल्टॉस इज आउट ऑफ द ऑब्स्टेकल। और ये और एक कैंपर ऐड हो गए, और आज का टैली है फिलहाल 5। सर जी तो थाम्बा भर का, ये भी सेल्टॉस अपनी जगह पे। और हमारा कुनबा बनता हुआ इस इवनिंग, थोड़ी देर में यहाँ पे बनेगी कैंप फायर, खुलेंगे टेंट्स, लगेंगी एलईडी झालर और बनेगा माहौल। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड वेट फॉर द फन। सनसेट ब्लूज, और हम वापस बढ़ते हुए हमारी कैंप की तरफ।
चलो आता खाली उतरा ओढ़ ओढ़ ओढ़ा काकू हाँ खाली ओढ़ा त्याच्यावर सुके बोर्ड हाँ पाचच्या साइडला ओढ़ा देना 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 रे निषद लागली 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 आय आय Yeah, I have a feeling in my soul. My soul. But the कैंपर के पास कॉफी की चुस्कियां उसके साथ चलता हुआ सैंडविच कुछ पुराने हिंदी गाने और ये सजे हुए झालर और फिर धीरे धीरे तैयारी होती हुई कुकिंग की डिनर बनता हुआ ये आज हमारे साथ पहली बार आए हैं और बहुत सारा कुछ कुकिंग हो रहा है हम बताएंगे क्या क्या है बट वेरी नाइस सेटअप ऑलरेडी इनका फंक्शनल वर्किंग सेट हो चुका है ऐसा लग रहा है तो बताते हैं क्या क्या है ठंडी लेकिन कंफर्टेबल रात को पीछे छोड़कर हमारा नया दिन चालू हो गया है और अभी का माहौल कुछ ऐसा है देखो दोस्तों कितना सुंदर नजारा है और इस कैंप का एंसेंबल देखो वहां पीछे दो थार हैं वो एक है ये एक है दोनों ओल्ड जेन है ये सेल्टॉस है और एक सेल्टॉस है सेम रेड कलर देन हमारा डस्टर एडब्ल्यूडी टेंट के साथ फॉर्च्यूनर और अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको 7 बज रहे हैं पर ठंड ऐसी है कि मतलब बिल्कुल कोई साइन नहीं है कि 7 बज चुके हैं करके मतलब लोग अभी भी जो अर्ली राइजर्स है हमेशा के वही बाहर है सिर्फ बाकी तो एकदम सुनसान है सब चलिए अब हम लग जाते हैं मॉर्निंग रूटीन पे और फिर दिखाते हैं आपको हमारा ट्रैक सब स्टे ट्यून्ड टेंट में पहली रात बिताने के बाद की मशक्कत कैंपिंग का जुनून और DIY का तड़का कुकिंग में कुछ दिक्कत और किशोर सर राइट ऑन द जॉब साथ में और ऐसा लगता है कि ये बन गया चेक करेंगे इसको बट
राइट ऑन द वे रेडी टू गो वाला जो एटीट्यूड है दैट्स प्राइसलेस। कल रात में ये गाड़ी का इग्निशन गलती से ऑन रह गया था और वी हैड ड्रेन्ड द बैटरी, तो अभी इसको जंप करने वाले हैं हम लोग इस बैटरी को। तो कनेक्ट किया है हमने दोनों बैटरीज एक दूसरे को और अभी स्टार्टर मारेंगे हम लोग, तो वी एक्सपेक्ट कि ये गाड़ी चालू होना चाहिए। लेट्स सी, और गाड़ी चालू हो गया, सो आई थिंक वी हैव रिकवर्ड द व्हीकल वेरी सक्सेसफुली एंड वी आर गुड फॉर द रोड। थोड़ा सा लेट तक ब्रेकफास्ट और थोड़ा बहुत पैकिंग करने के बाद में नाउ वी आर हेडिंग टू अ स्मॉल ट्रैक अप द हिल और वी वांट टू गो अंटिल दिस पॉइंट। स्टे ट्यून्ड, इफ वी कैन मेक इट लेट्स सी। आप उधर ही रुको अभी, हाँ नहीं नहीं या तुम्हें बोलती है और हमने इस चढ़ाई का आधा पड़ाव पार कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से नज़ारा क्या दिख रहा है। कम से कम ठीक है 20-25 नहीं तो कम से कम 10-15 किलोमीटर का तो एरिया यहाँ से आराम से दिख रहा है। वैसे 11 बज रहा है सुबह का, बट आप दूर वहाँ माउंटेन्स में हेज अभी भी देख सकते हो। फैबुलस वेदर फॉर टुडे।
झाड आहेत त्याच्यात, डेंजरस आहे ते. नाही नाही पुढे पुढे आहे आपला. ये खाली वरती हात पकड. हा येस सही आहे, सही आहे, प्रॉपर पाय पाय लॉक करून घ्या. येस सही, येस डाव्या हाताला जोर घे. येस कम डाऊन. येस यू आर डुईंग इट गुड. सही आहे. येस येस सुपर. ये जागा आहे खाली, खाली थोडा सरकलास तरी चालेल, चालेल सरकलास तरी जागा आहे खाली. कम डाऊन. सुपर क्या बात आहे. क्या Exhausted from the day's heavy trekking activity, we soon found very comfortable to sit under the shade of this big tree and munch on our lunches, then have a little bit of afternoon nap in the hammock. Soon the people started to wrap and initiate their departure back. We were the last ones to wrap and leave the campsite for the next time. Do let us know how do you find this video. Would you like to paraglide at this location? If you like our content, subscribe our channel, press the bell icon, and do watch out our other videos too. Thanks a lot, God bless you, and stay tuned. बाय के साथ ये एग्जॉस्टिंग कैंप इट इज कमिंग टू एन एंड. वी आर हेडिंग बैक. द लास्ट टू व्हीकल्स दोज वेर स्टिल एक्टिव आर लिविंग द कैंप साइट फॉर टुडे. स्टे ट्यून्ड. इफ यू लाइक our videos, do subscribe, hit the bell icon for the newest videos, and comment what you feel about the places that we visit, and see you soon with us on our next camp. Thank you. Stay tuned. God bless you.